नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज नगर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरदासपुर रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि पंजाब राज्य में मौजूद है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन नॉर्दर्न रेलवे जोन के फिरोजपुर डिवीज़न के अंदर आता है, जो कि मुख्य रूप से पठानकोट अमृतसर लाइन पर मौजूद है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन समुंदर तल से 265.17 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और यहाँ का स्टेशन कोड GSP है। दोस्तों आपको बता दूं कि यह बहुत ही छोटा रेलवे स्टेशन है और यह रेलवे स्टेशन प्रतिदिन 20 से भी अधिक ट्रेन को ऑपरेट करता है और यहां से प्रतिदिन 5000 से भी अधिक यात्री पास होकर गुजरते हैं। दोस्तों यहां पर प्लेटफॉर्म्स की संख्या 2 है। दोस्तों वैसे तो यहां नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो है उसको ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है और नंबर 2 प्लेटफॉर्म को माल वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यहां पर नंबर फोल्डिंग ट्रेनों की बात करें, यानी जो ट्रेनें यहां से पास होकर गुजरती हैं और यहां पर रुकती हैं, उनकी संख्या मात्र 25 है और जो ट्रेनें यहां से अपनी जर्नी की शुरुआत और यहां पर अपनी जर्नी का अंत करती हैं उनकी संख्या मात्र 0 है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों से सीधा कनेक्टेड और यहाँ से पास होने वाली ट्रेनों में शामिल है जम्मू जोधपुर एक्सप्रेस, पठानकोट दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, रावी एक्सप्रेस, जम्मू तवी दुर्ग एक्सप्रेस, टाटा नगर जम्मू तवी एक्सप्रेस, MK पैसेंजर इत्यादि ट्रेनें भी शामिल है। दोस्तों अब बात करते हैं इस स्टेशन की हिस्ट्री के बारे में। तो जब इस लाइन को बनाया गया 1884 में, तभी इस स्टेशन को खोला गया और अब यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन मौजूद है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस गुरदासपुर रेलवे स्टेशन ही। अगर आपको मेरी ये जानकारी इस स्टेशन के बारे में पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन सभी को जय हिंद, जय भारत।